अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हम दिल्ली आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज के हम ट्यूटोरियल में आपको ग्रोविंग टेक्स्ट इफेक्ट देना सिखाएंगे। इस मकसद के लिए हम एडोब फोटोशॉप खोलते हैं। देखिए, इसके अंदर हम एक मुनासिब कैनवस खोलते हैं। देखिए, ये हम रख लेते हैं 6x6 का, अराउंड 6x6 इंच का। ये ओके हो गया। अब हम रेक्टेंगुलर टूल्स लेंगे, इसको ब्लैक कलर कर देंगे। ओके किया। यहाँ पे एक मोटी सी लाइन खींचेंगे। ये देखिए, ये हो गया। अब हम इस लेयर की कॉपी बना लेंगे। कंट्रोल जे दबाएंगे मुसलसल, अराउंड 6 बना लेंगे। ये ज्यादा हो गई क्योंकि हमने मुसलसल दबा दिया। तो हम फिलहाल सिलेक्शन करते हैं ऊपर 10 नंबर्स की, और शिफ्ट दबाते हैं और 7 नंबर तक डिलीट दबा देते हैं। ये डिलीट हो गई। अब हम नीचे आते हैं, शेप 1 सही है, अपनी जगह कॉपी 1 को मूव कराते हैं। तेजी से नीचे जाए इस मकसद के लिए हम शिफ्ट दबाते हैं, और शिफ्ट दबाकर डाउन की को, डाउन मूव की को दबाते हैं। ये मूव यू नहीं हो रही कि मूव टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर देखिए ये मूव करेगी। ये हो गया कॉपी 2। कॉपी 3। कॉपी 4। कॉपी 5। ये देखिए, ये एक इस तरीके से। अब हम इन तमाम लेयर्स को मर्ज कर लेंगे, शेप लेयर को शिफ्ट दबाकर। नीचे वाली लेयर, ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई दबाया, ये मर्ज हो गया। अब इस लेयर की कॉपी कब बनाएंगे, ये कॉपी बन गई। अब हम यहाँ से उठा के इसकी पोजीशन इस तरीके से रखेंगे कि ये, फिर लेयर 1 6 जो है उसको थोड़ा सा मूव कराएंगे अंदर को। ये इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, आसानी हो जाएगी। कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्शन किया, कंट्रोल दबाकर ई दबा दिया, ये मर्ज हो गई। अब इसकी कॉपी बनाते हैं लेयर की। ये बन गई, उठाया हमने और ये रख दिया। ये इनको भी मर्ज कर लेते हैं कंट्रोल ई दबाकर, और अब इसकी कॉपी बनाते हैं कंट्रोल जे दबाकर। ये देखिए, अब हम फिर ट्रांसफॉर्म से 90 के डिग्री पे इसको टर्न कर देंगे। ये देखिए, रोटेट किया हमने, किसी तरफ भी कर दें 90 के, ये हो गया। ये एक हमारा टेक्चर बन गया। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव किया हमने, कुछ भी नाम रख सकते हैं, टेक्स्ट रख देते हैं टेक्स्ट, और हमने डेस्कटॉप पे ही सेव कर लिया। एक और कैनवस खोलते हैं, फाइल न्यू एंड 8x10 कर लेते हैं एंड 4 एंटर। टेक्स्ट लेयर लेते हैं, एंटर, यहां पे लिखते हैं मेगा एकेडमी, मेगा अकेडमी। मैं चाहूंगा एक तो इसका कलर चेंज कर दूं, दूसरी मेरी ख्वाहिश होगी कि ये कैनवस से बाहर हो गया है तो हर चीज को अपने लिए उसमें ही होना चाहिए। तो ये हो गया, कलर तो चेंज हो गया है। अब सेकंड काम हमने क्या करना है, इसको रिसाइज करना है। मूव टूल से करा लेते हैं इसको रिसाइज। थोड़ा सा नीचे ताकि हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ा सकें। एंटर एंटर
इसको अलाइनमेंट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हैं। ये हो गया। अब इस लेयर को, मेगा एकेडमी को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जे दबा के इसकी एक कॉपी बनाते हैं और एक और कॉपी बना लेते हैं। सबसे ऊपर वाली कॉपी को हाइड कर देते हैं, नीचे वाली लेयर पे काम करते हैं, कंट्रोल दबाकर इसको डबल क्लिक करते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो गया। अब जो है सबसे पहले हम इसके, हमने सिलेक्शन से पहले हमें चाहिए था कि जो पहली कॉपी है इसको सेलेक्ट करके फिल्टर, डिस्टोर्ट और डिस्प्लेसमेंट। रेस्टराइज मांग रहा है, रेस्टराइज हो गई, उसने पूछा था। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट 8:8 रख लेते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ओके करते हैं। यहाँ पे हमने जो है अपने PSD फाइल का टेक्स्ट नाम रखा था ये, एंड ओपन ये सही। अब वापिस मेगा एकेडमी ओरिजिनल लेयर पे आते हैं और इसको सिलेक्शन लगते हैं, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करते हैं, ये सिलेक्शन हो गया। फिर पहली कॉपी पे जाते हैं और अब कंट्रोल शिफ्ट और आई दबा के रिवर्स सिलेक्शन करते हैं और डिलीट दबा देते हैं। तो देखिए जो बाहर निकले हुए थे से वो डिलीट हो गए। डिसलेक्ट करते हैं और इसी लेयर पे काम करेंगे, पहली कॉपी पे फिल्टर, ब्लोर, मोशन ब्लोर, 90 रख लिया हमने। थोड़ा देखें, कम करके देखते हैं क्या हालात है, थोड़ा बड़ा ही लेते हैं, 70 रख दिया हमने, एंड ओके। अब हम नेक्स्ट पे डिस्टोर्ट, शेयर, शेयर पे हमने ये देखिए, ये आपको जो शेयर का फिल्टर है वो इस तरीके से मिलेगा, सही है। अब इसको तिरछा करना है, इधर ले जाएं उधर ले जाएं, सॉरी आखिर तक ले जाने की वजह से परेशान हो रहा था। ओके किया, देखिए तिरछा हो गया। अब हम ओरिजिनल लेयर पे आएंगे, इसको कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे, सिलेक्शन हुआ और कंट्रोल शिफ्ट और आई दबा के इनवर्स सिलेक्शन हुआ। अब जो लेयर इसकी फर्स्ट कॉपी थी जिसपे हमने फिल्टर से एप्लीकेशन की थी, अप्लाई किया था फिल्टर मुख्तलिफ, वहां उसको सिलेक्ट किया और डिलीट दबा दिया, ये लीजिए। अब हमने जो सबसे ऊपर की लेयर थी जो हाइड की हुई थी उसको अनहाइड की और कंट्रोल दबाकर डी दबाया ताकि डी सिलेक्ट हो जाए, और फिलहाल ओरिजिनल लेयर को हमने हाइड कर दिया। अब हमने कॉपी नंबर 2 पर आए और यहां से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया। मेन्यू बार के अंदर सेलेक्ट, मॉडिफाई, कॉन्ट्रैक्ट, 5 पिक्सल हुआ हुआ है, बस यही कर देते हैं ओके। देखिए ये सिलेक्शन अंदर को आ गया। अब हम सिलेक्शन पे दोबारा जाएंगे, मॉडिफाई एंड फेदर एंड 5 ओके। ये अब इसकी एजेस कुछ देखिए गोल हो गई हैं और ये फेदर में कटिंग करेगा। डिलीट दबाया हमने, चूंकि रेस्टराइज नहीं हुई थी उसलिए इसने ऑब्जेक्शन किया, तो इसकी मर्जी हम मान लेते हैं। रेस्टराइज कर लिया इस लेयर को और डिलीट दबाया, और देखिए डिसलेक्ट करते हैं इस लेयर को, चाहे तो आप डिलीट कर दीजिए। देखिए कितना खूबसूरत इफेक्ट्स आ गया, आपको ऐसा लगता है जैसे कि कोई चॉकलेट है उससे लिखा गया है, चॉकलेट की लाइनें पड़ी हुई हैं। इसमें हम डिफरेंट कलर भी ले सकते हैं, डिफरेंट कलर पे काम कर सकते हैं, आप ब्लू ले लें, ग्रीन ले लें वगैरह वगैरह, रेड ले लें या मल्टी कलर ले लें, आप हर वर्ड्स का कलर अलग कर दें तो मल्टी कलर भी हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस ट्यूटोरियल से महसूस भी हुए होंगे और सीखा भी होगा, और अपनी राय से मुतला करना मत भूलिएगा। हामिद अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।